नाम इतना जपो कि गुरु धड़कन में उतर जाए, सांस भी लो तो खुशबू गुरु दरबार की है। संत महात्माओं ने बहुत सही बात कही है, जो भगवान को ढूंढने जाता है वो भगवान को ढूंढता ही रह जाता है, पर जो गुरु की सेवा करता है उसको भगवान ढूंढने आते हैं कि वह कहाँ सेवा कर रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। राधा स्वामी सिटी मैम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रीति चंद्रा। महामारी के दौर में सभी सत्संग कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, जिसके चलते राधा स्वामी सत्संग व्यास रूहानियत से जुड़ी राहत सामग्री अपने ऑफिशियल वेबसाइट व यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार संगत को पहुंचा रही है, जिसके लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। इस महामारी के दौरान भी राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी सवाल जवाब सत्र के माध्यम से संगत के मन में आ रहे अनेकों सवालों के जवाब लगातार देते आ रहे हैं। संगत जी, मौके पर भले किसी एक ने सवाल पूछा हो, लेकिन बाबा जी के जवाब से असीमित लोगों की शंकाओं का समाधान होता है। आपके मन में भी कोई सवाल या शंका होगी तो उसका जवाब भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सवाल और शंका को लेकर इस वीडियो में बाबा जी ने क्या जवाब दिए हैं आपको दिखाएंगे। सवाल है, मैं मेरी थे होमे कि मैं खत्म करा, ते गुस्सा भी कि मैं खत्म करा। बेटा गुस्से क्यों होंगे आप, जल्दबाजी भी होंगे हैं। जे आप समझ के चलिए तो गुस्सा नहीं आ सकता। हुण कोई भी गलत काम जान के नहीं करता, उदी सोच अलग हो सकती है या उदी समझ उस तरह सी कि इस करके उन्हें काम वह जहाँ किया। हुण गुस्से दे नाल की वो हल हो जूगा? जिहड़ी चीज़ प्यार दे नाल हो सकती है, क्यों आप गिले शिकवे नाल करते हैं बेटा? सो सोच विचार के चलिए। कल नूं साडे नाल भी सानू समझांदे होए कोई गुस्से नाल चले आपां नूं चंगा लगूगा? हुण तुसीं मैनूं सवाल कीता, मैं गुस्से नाल जवाब देना चंगा लगूगा? फिर सानू भी उसे तरह चलना चाहिए बेटा। तो मेरा दूजा सवाल है, मेरी वाइफ एक्चुअली डॉक्टर है, तो वह चाहती है कि अपने बच्चों वह अंडे देवे ताकि वह तंदुरुस्त पैदा हो, वह तंदुरुस्त रहन सारी जिंदगी, तो मैं नहीं चाहता ये चीज़ नूं, साढ़े खाते भी नहीं गए की देने की दे, वो एग्स देना चाहती है बच्चों नूं ताकि वह तंदुरुस्त रहन। मैं तेनों कमजोर लगता बेटा? नहीं ओनू है नहीं नहीं मैं जो स्कूल मैं मेरे फादर दाखिल कराने गए ना, अंग्रेज सीगा, तो मेरे फादर ने कहा कि जी असी वैजीटेरियन परिवार तो हैं, तो उन्हें कहा थोड़ा तुसी नहीं चाहते कि थोड़ा बच्चा चंगी तरह पले? तो मेरे फादर काफ़ी चंगे तकड़े सीगे, तो उन्होंने कहा मैं माड़ा लगता है? उन्होंने कहा नहीं, कहते फिर मेरा बच्चा क्यों माड़ा होगा? ये साड़ी गलत फहमी है बेटा। सारी दुनिया तो हुण कह रही है कि जी वैजीटेरियनिज़म चंगी है, वैजीटेरियनिज़म चंगी है, असी दूजे पासे तुरना शुरू करता। कोई इहो जी ताकत नहीं जिहड़ी तुहानूं अंडे चो मिलेगी जिहड़ी दूजियां चीज़ां चो नहीं मिल सकदी। फिर कहनूं आपां किसी चीज़ की हत्या करते? पापा जी, जब मैं सिमरन ते बैठदी हां ते मैनूं इस तरह लगदा जिस तरह तुसीं ते वड्डे बाबा जी मेरे सामने कुर्सी ते बैठे हो, पर कुछ टाइम बाद मैनूं इह लगदा वी इह सिर्फ मेरी इमेजिनेशन आ ते मेरा ध्यान नहीं लगदा सिमरन च। बेटा इमेजिनेशन नहीं हुंदी, जे पहलां दा साडा कोई प्रभाव या साथ होवे ना तां सानूं इह चीज़ां महसूस हुंदियां, इह तां चंगी गल है बेटा। मगर उन्हों देख के वो पॉजिटिविटी लैके तो फिर सानू भजन सिमरन में होर ध्यान देना चाहिए बेटा। मालिक देखो, लोग तो तरसते हैं कि सानू ध्यान होवे, जे मालिक सानू दर्शन दे रहे हैं तो सानू उन्हों हजम करके तो होर भजन सिमरन करना चाहिए। पापा जी, मैं सिमरन में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही है। नहीं बेटा, वो तो हम जिन्ना चिर आप पूरा वक्त नहीं देवे, हम जे आप कही कि 5 मिनट मैं रोटी बना लूँगी तो 5 मिनट कि रोटी बन जूगी अपने तो? वक्त तो पूरा देना पेगा ना। हुण बच्चा कहे जी मैं 5 मिनटां च मैं सारा सबक सीख लूँगा, की सीखूगा 5 मिनटां च बेटा? सो इस करके जिन्ना चिर आप पूरा वक्त नहीं देवांगे तो किवें अपनी गल बनूगी? नहीं बाबा जी, मैं पूरी कोशिश करदी हां, तुसीं मैनूं प्रोमिस करो जे मैं भजन ते बैठ जां तो तुसीं मैनूं उठण ना दो प्लीज़। बस जे आप पूरा वक्त देवांगे बाकी उहदी जिम्मेवारी है, तुसीं प्रोमिस करो बाबा जी प्लीज़। बाबा जी, मेरा बेटा है 14 साल का, तो उसके पापा चाहते हैं कि उन्हें वधिया ऑफिसर बना, पर वह थोड़ा आलसी है बाबा जी। नहीं नहीं, वह बचपन में सारे, हुण जे आप माँ बाप के सिर के उत्ते मौज मेला नहीं करांगे तो फिर कदों करांगे?
ਉਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਪਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। अगर आपको सवाल जवाब का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो राधा स्वामी सिंह व्यास से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।